mytoyota.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। फटाफट अंदाज में देखिए देश और दुनिया भर की 10 बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने वीडियो संदेश में लोगों से 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट तक देश को रोशन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि 5 अप्रैल को 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे घर की सभी लाइट्स बंद करने की बात कही है। साथ ही घर के दरवाजे या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट तक के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाने की बात कही है। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ देश की जनता से 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए एकजुटता दिखाने की अपील की है। इसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि लाइट्स बुझाकर मोमबत्ती जलाने से कोरोना वायरस से लड़ने में सफलता नहीं मिलेगी। अधीर रंजन ने सवाल किया है कि क्या पीएम मोदी की बातों को नहीं मानने वालों का विरोध किया जाएगा। बता दें, इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने लॉकडाउन को लेकर सरकार से इकोनॉमिक टास्क फोर्स बनाने की मांग भी कर चुकी है। पीएम मोदी ने देश के 40 बड़े खेल दिग्गजों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने देश में कोविड 19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विभिन्न खेलों के 40 शीर्ष खिलाड़ियों से बातचीत किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के अध्यक्ष और पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली, बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, धावक हिमा दास जैसे 40 बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। इस दौरान कोरोना वायरस से निपटने को लेकर बातचीत भी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि 48 घंटे के दौरान 14 राज्यों में कोरोना के 647 मामले सामने आए हैं। अकेले दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 141 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित लोगों में 129 तबलीगी जमात के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि एक घटना के बाद देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि हालात पर नजर रखी जा रही है और हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के अमीर मौलाना मोहम्मद साद को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से जुड़े 26 सवालों के जवाब मांगे हैं। इस बीच मौलाना मोहम्मद साद की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। वहीं नोटिस में संगठन का पूरा पता, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी जानकारियां, संगठन से जुड़े कर्मचारियों की पूरी डिटेल, मरकज के मैनेजमेंट से जुड़े लोगों की जानकारी मांगी गई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नर्सों से अभद्रता के बाद बड़ा फैसला लिया है। कहा गया है कि किसी भी स्वास्थ्यकर्मी के साथ अभद्रता करने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब NSA की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ तबलीगी जमात के लोगों की चिकित्सा और सुरक्षा में महिला स्वास्थ्य कर्मी और महिला पुलिस कर्मियों को नहीं लगाने का फैसला भी लिया गया है। अब केवल पुरुष कर्मचारी ही तैनात रहेंगे। देश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों के साथ ही प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को नोवल कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के प्रयासों में तेजी लाने की सलाह दी। साथ ही कोरोना संकट से निपटने के उपायों पर भी चर्चा की। बता दें, कोरोना वायरस के कारण देश में 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कारण 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि पूरी दुनिया में एक दिन में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा लोगों के मरने का आंकड़ा अमेरिका से सामने आया है। इसके पहले इटली में 27 मार्च को एक दिन में सबसे ज्यादा 969 लोगों की मौत हुई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। अगर स्पेन की बात करें तो शुक्रवार को वहां 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लगातार दूसरे दिन स्पेन में कोरोना वायरस से 900 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसको देखते हुए स्पेन की सरकार ने सख्ती से निर्देशों के पालन की अपील की है। दूसरी तरफ फ्रांस में भी 450 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा 4500 से ज्यादा हो चुका है। चीन ने शनिवार को अपने सभी शहीदों की याद में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने का फैसला लिया है। शोक दिवस में कोरोना को दुनिया के सामने लाने वाले डॉक्टर ली बेनलियांग को भी याद किया जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से चीन में 3300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
चीन की सरकार का कहना है कि शोक दिवस के दिन पूरे देश में और विदेश में सभी चीनी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों के झंडे आधे झुके रहेंगे। सार्वजनिक मनोरंजक गतिविधियों को भी निलंबित किया जाएगा। हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभात खबर.com। विश्वास वही, रफ्तार नहीं।